तो गाइस आज के इस वीडियो में नोकिया की तरफ से आने वाले इस हेडफोन के हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये वायरलेस हेडफोन है तो मैं इसे अनबॉक्स करता हूं और इसके हर एक डिटेल में चीज बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर। तो देख सकते हैं इसका मॉडल है नोकिया हेडसेट T4010। नोकिया की तरफ से आने वाला ये अच्छा खासा प्रोडक्ट है। काफ़ी दिनों के बाद नोकिया के प्रोडक्ट मुझे मिला। 40 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। बेस इन्हेंसर बटन है, बेस बूस्ट कर सकते हैं, फोल्डेबल है, कैसे भी मोड़ सकते हैं। 40 mm का डायनेमिक ड्राइवर है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बॉक्स में आपको हेडफोन देखने को मिल जाता है, चार्जिंग केबल, ट्रेबल पाउच भी देखने को मिल जाएगा, एक ऑडियो केबल यानी जैक टू जैक केबल देखने को मिल जाती है। तो चलिए और हम इसको क्या करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। उससे पहले आप ऊपर यहाँ इसकी डिटेल और भी देख सकते हैं, प्राइस राइज सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और नोकिया लवर हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही नोकिया के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर 3 मेन चीज़ आपको मिल जाती है। बॉक्स में पाउच था, पाउच कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ज़्यादातर लोग यूज भी नहीं करते। ये जैक टू जैक केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इस केबल की। इसमें टाइप सी नहीं देखने को मिलता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ये यूएसबी ए है जो कि ठीक है, जैसा नोकिया चाहे। प्रोडक्ट ये मेन रहा हमारा, हेडफोन काफ़ी सुंदर है। हेडफोन ब्लैक कलर का हेडफोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। नोकिया की ब्रांडिंग यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, फ्लेक्सिबल है, आप ऐसे देखिए इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। ये मुड़ गया और आप देख सकते हैं इसका साइज काफ़ी छोटा हो गया। इजी टू कैरी है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं ले जाने के लिए। फिर से इसकी क्वालिटी जो कि बड्स की मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। आपके कान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा लगेगा कि नहीं आपने यूज कर रहे हैं, होल्ड किए हैं, सर पर वजन नहीं लगेगा आपको। और इसके बटन एंड पोर्ट्स की तरफ बात कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव बटन है और निगेटिव बटन यानी वॉल्यूम अप एंड डाउन। ये बेस को बूस्ट करने वाला बटन देखने को मिल जाएगा, वो तो यूज करने पे ही आप समझ जाएंगे। ये पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, तो होगा इसके बिना तो बेकार ही समझिए। ये हमारा जैक है, जैक को लगाने का पोर्ट 3.5 mm। वैसे ये ज़्यादा यूज नहीं होगा पर उन्होंने दे दिया तो यूज कर लिया जाएगा, क्या ही करना है। ये चार्जिंग पोर्ट है, ये इंडिकेटर और नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाता है। इसका नॉइस कैंसिलेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको नोकिया लवर है तो आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिलिंग कर रहा है, रेडी टू पेयर हो चुका है। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली है, अब मैं बताता हूँ क्या है इसमें अच्छा है और क्या है बुराई। तो इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है, नॉइस कैंसिलेशन भी मुझे काफ़ी इसका अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा। आप एक बार लगा लेंगे तो जल्दी ये आपके कान से हिलने डुलने वाला नहीं है। जिम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जिम में पहन के जा सकते हैं। और इसका साउंड क्वालिटी भी ठीक है, एवरेज है। इतना बड़ा इसका साइज है, उस हिसाब से साउंड मैं नहीं कह सकता, मीडियम साउंड है। आप ब्लूटूथ वाले जो छोटे वायरलेस ईयरफोन आते हैं उसी की तरह आप साउंड को फील कर पाएंगे। बेस भी उतना ही है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो ये एवरेज प्रोडक्ट है जो कि नोकिया की तरफ से आता है। तो मैं इसे 10 में से 7 की रेटिंग देना चाहूँगा। और इसका बैटरी बैकअप 40 घंटे लिखा है, इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, 2 घंटे चार्ज करने पे लगभग 35 से 37 घंटे का बैकअप दे देता है। ये आपके यूसेज पे भी डिपेंड करेगा, कितना यूज करते हैं, कितना लाउड साउंड सुनते हैं, उस हिसाब से भी थोड़ा बैटरी बैकअप घट बढ़ सकता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और चैनल बनाए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।